अकाउंट में टीचर। ये वाली जो एक्टिविटी है चित्रकथा कहलाती है और ये करी गई है क्लास 3 के बच्चे के साथ में और उसका नाम है प्रिया, जिसने ये चित्रकथा बनाने का प्रयास किया है या बनाई है। ये कहानी है आसमान गिरा करके, जो उनकी ही बुक से संबंधित है। इसमें होता ये है कि बच्चों के साथ में जब हम काम करते हैं तो जैसे ग्रुप होता है, उसमें कुछ बच्चे हैं वो लिख पाते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, तो उनके साथ में जो बच्चे लिख पा रहे हैं उनको ये कहा जाता है कि आप कहानी को चित्र के रूप में प्रदर्शित करो। आप जितने भी चित्र बना सकते हैं, आपको जो मुख्य मुख्य घटना लग रही है आप उसको चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करो। बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक कहानी को चित्रों में प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद में उनसे ये कहा जाता है कि आपको यदि लग रहा है कि ये वाला चित्र कुछ बोल रहा है, किसी से बातचीत चल रही है इसके अंदर, तो क्या बातचीत कर रहा होगा वो उससे। माना जैसे ये खरगोश ही है, पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, अब ये फल गिरा है, तो फल गिरा तो उस खरगोश ने क्या कहा होगा, खरगोश जागा और क्या कहा, तो वो आपको लिखना है। तो बच्चे खुद सोच समझ के कि जब कोई दो जने मिल रहे हैं तो आपस में क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, या जब वो अकेला है तो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसको धीरे धीरे कहानी को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और जो दूसरा समूह होता है जो लिख नहीं पाता है, सिर्फ चित्रों पर काम करता है, पर जो बच्चे लिख पा रहे हैं वो साथ साथ उसके डायलॉग भी उसमें मेंशन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये पूरी चित्रकथा का निर्माण होता है और ये प्रिया ने पूरी चित्रकथा बनाई।